हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन में ऑक्सीजन ओएस जैसा लुक कैसे पा सकते हैं। बट उससे पहले गाइस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा, ताकि ऐसे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर इंस्टाग्राम वगैरह पर फॉलो नहीं किया तो लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं। तो फिर चलेगा इस जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ओके गाइज, मैंने इस सेटअप में जो जो फाइल यूज की है उस सभी का गाइज डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये सब गाइज फाइल आपको एक जिप में देखने को मिलेगी। एक जिप गाइज आपको सबसे पहले एक्सट्रैक्ट कर लेना। एक्सट्रैक्ट करने के बाद गाइज आपके सामने कुछ इस तरह की फाइल देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर गाइज मैंने डाउनलोड के फोल्डर में रिक्वायर्ड फाइल करके एक फोल्डर बनाया हुआ है, उसमें यह सभी फाइल्स रखी हुई है। तो सबसे पहले गाइज आपको जो एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है वह आपको वन बाय वन इंस्टॉल कर लेनी। और यह गाइज ऐप आपको सभी मोर या फिर प्रीमियम वर्जन में देखने को मिलती है, क्योंकि गाइज अगर आप प्ले स्टोर से यह ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको इनका प्रीमियम वर्जन बाय करना पड़ता है, या फिर आपको एडिशनल फीचर के लिए कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर गाइज जो एप्लीकेशन दी है वह सब आपको यहाँ से इंस्टॉल कर लेनी। एंड जो आइकन पैक दिया हुआ है वो गाइज आपको एडेप्टी आइकन पैक देखने को मिल जाता है। एंड जो गाइस मैंने खुद बनाया तो इसमें गाइस बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। एंड जो आपको कंट्रोल सेंटर या फिर विजेट वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं वह भी आपको इस एप्लीकेशन या फिर जिप में देखने को मिल जाता है। वो सब गाइस आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना रहेगा। तो यहाँ पर गाइस आप देख पा रहे हैं हमारे होम स्क्रीन पे तीन एप्लीकेशन आ गई। एक गाइस जो विजेट का ऐप था वह आपको अपने सिस्टम में हाइड होता हुआ देखने को मिल जाएगा। और जो नोवा गाइस गूगल फीड वाला था, नोवा लॉन्चर में आपको जो गूगल फीड देखने को मिलती है उसका जो एपीके था वह भी यहाँ पर हाइड होता हुआ देखने को मिल जाता है। और कुछ डिवाइस में गाइस बस शो भी होता है। तो सबसे पहले गाइस आपको नोवा लॉन्चर ओपन कर लेना है। एंड यहाँ पर आपके सामने तीन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो सिंपली गाइस आपको बीच वाले ऑप्शन नोवा बैकअप पे टैप कर लेना है। देन यहाँ पर आपके सामने परमिशन मांगेगी, जब आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन करेंगे तो आपको इसको अलाउ कर लेना है। एंड देन आपको यहाँ पर ब्राउज के आइकन मतलब कि बटन पे टैप करना है। देन यहाँ पर जो मैंने फाइल ली थी गाइस नोवा लॉन्चर का बैकअप फाइल दिया था वह आपको यहाँ से सिलेक्ट करके ओके कर लेना है। सो यहाँ से गाइस मैं नोवा लॉन्चर बैकअप फाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि मैंने रिक्वायर्ड फाइल करके एक फोल्डर बनाया हुआ था उसमें रखी हुई है। तो आप भी गाइस इस तरह से अपने स्मार्टफोन में इस बैकअप फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर अप्लाई के आइकन पर टैप कर लेना है। सो फाइनल गाइस आपको नोवा लॉन्चर वापस से ओपन करना है। एंड आपके सामने गाइस कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको सिंपली इस सेटअप वाले जो ऑप्शन देखने को मिलते हैं अपने होम स्क्रीन पे, इस पे आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आपको क्रिएट के बटन पे टैप कर लेना है, तो आपके अपने होम स्क्रीन पे विजेट और गूगल का सर्च बार आ जाएगा। एंड फिर गाइज आपको यहाँ से अपने होम स्क्रीन पे होल्ड करके सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में चले जाने के बाद अपने होम स्क्रीन पे मतलब कि जो लॉन्चर है वो आपको डिफॉल्ट सेट कर लेना है, नोवा लॉन्चर, जिससे कि गाइज आपको अपने स्मार्टफोन में कंप्लीट ऑक्सीजन ओएस जैसा फील मिल सके। एंड यहाँ पर देख सकते हैं आपको ऐप ड्रॉअर कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है। तो अभी तक गाइज हमारा होम स्क्रीन कंप्लीट सेटअप नहीं हुआ, तो फिर से गाइज आपको अपने होम स्क्रीन पे कोई भी ब्लैंक जगह पे होल्ड करना है। एंड आपको अपनी सेटिंग में चले जाना है नोवा लॉन्चर की, फिर आपको लुक एंड फील में जाके यहाँ से गाइज आपको आइकन पैक में एडेप्टिव आइकन पैक सिलेक्ट कर लेना है। एंड फिर गाइज आपको अपने होम स्क्रीन पे चले आना है। देख पा रहे गाइज यहाँ पर हमारे होम स्क्रीन के सारे आइकन चेंज हो चुके हैं। एंड आपको गाइज अब कुछ इस तरह का लुक देखने को मिल जाता है। एंड जो ड्रॉअर देखने को मिलता है वो भी गाइज काफ़ी अच्छा है। एंड फिर गाइज आपको अपने होम स्क्रीन पे वॉलपेपर कोई भी सिलेक्ट कर लेना है, जो कि आपको पसंद आता है वो गाइज आपको अपने मुताबिक यहाँ से अपने होम स्क्रीन पे वॉलपेपर सेट कर लेना है। तो वॉलपेपर की लिंक भी गाइज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मुझे गाइज यह वाला वॉलपेपर थोड़ा ठीक लग रहा है, तो मैं यहाँ से इस वॉलपेपर को अपने होम स्क्रीन पे एडजस्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पर गाइज आप देख पा रहे हैं हमारे होम स्क्रीन का लुक काफ़ी हद तक ऑक्सीजन ओएस जैसा देखने को मिल जाता है। एंड अगर गाइज आपके स्मार्टफोन में होम स्क्रीन पे कुछ इस तरह का जो ब्लैक एंड व्हाइट आइकन देखने को मिलते हैं वह देखने को मिलते हैं, तो सिंपली गाइज आपको इसको होल्ड करके रिमूव कर लेना है। जो गाइज मेरे स्मार्टफोन में ऐप इंस्टॉल थे वह आपके स्मार्टफोन में नहीं हो सकते, जिस वजह से आपको अपने होम स्क्रीन में कुछ इस तरह के आइकन देखने को मिलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, तो वह आपको सिंपली होल्ड करके रिमूव कर लेने हैं। एंड अगर गाइज आपको यह विजेट पसंद नहीं आता जो मैंने अभी होम स्क्रीन पे सेट किया हुआ है, तो आप दूसरे विजेट भी गाइज यहाँ से जो दो और देखने को मिलते हैं ऑक्सीजन ओएस के वह आप चाहो तो
इंस्टॉल मतलब कि अपने होम स्क्रीन पे सेट कर सकते हैं। तो दूसरा वाला गाइस जो विजेट था वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है, नेवर सेटल लिखा देखने को मिलता है, जो कि दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव एंड अच्छा लग रहा है। तो आप चाहे तो इसे भी अपने होम स्क्रीन पे सेट कर सकते हैं। देख सकते हैं गाइस आपको काफ़ी अच्छा लुक देखने को मिल जाता है इस विजेट के साथ भी। तो आप चाहे तो इसे भी अपने होम स्क्रीन पे सेट कर सकते हैं। एंड देख पा रहे गाइस हमारे होम स्क्रीन का लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऐप ड्रॉवर भी गाइस आपको कंप्लीट ऑक्सीजन ओएस जैसा देखने को मिल जाता है। काफ़ी हद तक गाइस हमारे होम स्क्रीन अब ऑक्सीजन ओएस जैसे देखने को मिल जाते हैं। साइड में गाइस आपको गूगल फीड भी देखने को मिल जाता है, जिससे कि गाइस आपको और भी अच्छा लुक देखने को मिल जाएगा एंड आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा इस लॉन्चर के साथ। एंड आपको गाइस इस लॉन्चर में 3D टच वगैरह भी वगैरह के काफ़ी अच्छे ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं। अगर आप अपने होम स्क्रीन पे होल्ड करके रखते हैं कोई भी ब्लैंक स्पेस पे, तो वहाँ पर गाइस आपको लाइव वॉलपेपर एंड वॉलपेपर सेलेक्ट करने का डायरेक्ट ऑप्शन देखने को मिल जाता है, विजेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो वो भी गाइस काफ़ी अच्छा है। एंड फिर गाइस आपको यहाँ से जो वॉल्यूम स्टाइल वाला जो मैंने अभी के दिया था वो आपको यहाँ से ओपन कर लेना है, एडवांस में चले जाना है। एंड फिर आपको जो यहाँ पर बैकअप एंड रिस्टोर करके ऑप्शन देखने को मिल जाता है वहाँ पर चले जाना है, ब्राउज के आइकन पर टैप करना है। फिर गाइस आपको यहाँ पर रिकॉर्ड फाइल में जो मैंने वॉल्यूम स्टाइल करके एक बैकअप फाइल दी हुई थी वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करके ओके पे टैप कर लेना है। तो यहाँ पर गाइस हमारा बैकअप सक्सेसफुली रिस्टोर हो चुका है एंड आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर गाइस आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, अगर गाइस आप अपने स्मार्टफोन को रिफ्रेश करते हैं या फिर बैकग्राउंड से सभी ऐप एक साथ रिमूव करते हैं तो यह वॉल्यूम पैनल या फिर जो आपका कंट्रोल सेंटर है वह रिमूव हो जाता है। तो उसके लिए गाइस सिंपली आपको करना कुछ नहीं, जो ऐप है वह आपको यहाँ से अपने रिसेंट में जाके लॉक कर लेनी है। आप ऊपर से गाइस नीचे की तरह पुश करेंगे तो आपका जो ऐप है वह आपका लॉक हो जाएगा। तो वापस से गाइस आपको अपने एक्सेसिबिलिटी में जाके जो वॉल्यूम स्टाइल है वह आपको यहाँ से इनेबल कर लेना है। तो इस ऐप में गाइस एक्स्ट्रा देखने को मिलता है स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन, तो वो मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। फिर मैं इस ऐप को बैकग्राउंड से रिमूव करता हूँ, वापस से एक्सेसिबिलिटी में जाके वॉल्यूम स्टाइल को इनेबल कर लेता हूँ, जो कि गाइस आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सेटिंग मोर सेटिंग एक्सेसिबिलिटी या फिर सेटिंग शॉर्टकट एंड एक्सेसिबल वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पर गाइस आप देख पा रहे हैं हमारा वॉल्यूम बार है वो भी यहाँ पर आपको ऑक्सीजन ओएस जैसा देखने को मिल जाता है, जो कि दिखने में गाइस काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो आप चाहे तो इसे भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब बढ़ जाती है गाइस हमारे पावर सेट एप्लीकेशन की, तो इसे भी गाइस हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। जब आप इसको फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपके सामने परमिशन मांगी जाएगी, तो सभी परमिशन गाइस आपको यहाँ से अलाउ कर लेनी है एंड आपको जो नोटिफिकेशन वाली परमिशन मांगी जाती है वह भी आपको यहाँ से अलाउ कर लेनी है सेटिंग में जाके। तो यहाँ पर गाइस आप देख पा रहे हैं यह ऐप गाइस मिक्स रूट के द्वारा मोड किया हुआ है, तो सिंपली आपको इसको यहाँ से क्लोज कर लेना है। फिर गाइस आपको यहाँ से एक्स्ट्रा सेटिंग में जाना है एंड फिर आपको यहाँ पर बैकअप एंड रिस्टोर पर टैप करना है। यहाँ से गाइस आप इस ऐप में डायरेक्टली रिस्टोर नहीं कर सकते जो आपका बैकअप फाइल है वह, तो सिंपली गाइस आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है, वापस से बैक आना है। आपको यहाँ पर बैकअप पे अगेन टैप करना है, बैकअप पे टैप करने के बाद आपको गाइस कोई भी ऐसा नेम दे देना है, फिर आपको यहाँ से सेव कर लेना है। सेव करने के बाद गाइस आपको अपने फाइल मैनेजर में चले जाना है। फाइल मैनेजर में चले जाने के बाद गाइस आपको जो मैंने बैकअप फाइल दी थी गाइस कंट्रोल सेंटर की वह आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी। तो यहाँ से गाइस मैंने जो फाइल दी थी पावर सेट बैकअप करके वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आपको कॉपी कर लेनी है, आपको अपनी कोई भी फाइल मैनेजर से इसे कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद गाइस आपको सिंपली डिवाइस स्टोरेज में चले आना है। डिवाइस स्टोरेज में चले आने के बाद आपको सिंपली स्क्रॉल करके नीचे चले आना है एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पावर सेट बैकअप करके एक फोल्डर क्रिएट होता हुआ देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली आपको इसमें पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद वापस से आपको पावर सेट ऐप को ओपन करना है। फिर गाइस आपको यहाँ से रिस्टोर पे टैप करना है, पावर सेट बैकअप ऑक्सीजन ओएस लिखा देखने को मिल जाएगा, तो आपको सिंपली इसे सिलेक्ट कर लेना है। फिर गाइस आपको इस नॉट रनिंग पे टैप करना है एंड आपको यहाँ से जाके पावर सेट को ढूंढ के इनेबल कर लेना है। फिर आपको बैक चले आना है एंड बैक चले आने के बाद गाइस आप देख पा रहे हैं हमारा कंट्रोल सेंटर आ चुका है। बट गाइस अब आपको वापस से जैसे कि मैंने पहले बताया था, जब आप इसे बैकग्राउंड से रिमूव करते हैं या फिर अपने स्मार्टफोन को स्पीड अप करते हैं तो यह ऐप आपका मतलब कि जो कंट्रोल सेंटर है वो आपका ऊपर से गायब हो जाएगा। तो सिंपली आपको इसे अपने रिसेंट में जाके होल्ड करके मतलब कि लॉक लगा लेना है। लॉक लगाने के बाद गाइस आपको वापस से सेटिंग में चले जाना है एंड यहाँ से आपको एक्सेसिबिलिटी में जाके पावर सेट ऐप को वापस से इनेबल कर लेना है, जो जिससे कि गाइस आपका यह ऐप कभी हटेगा नहीं बैकग्राउंड से। बैकग्राउंड से हटाने के बाद भी गाइस यह ऊपर से कंट्रोल सेंटर गायब नहीं होगा। तो देख पा रहे गाइस
हमारा कंट्रोल सेंटर ऊपर आ चुका है और काफ़ी हद तक गाइज ये ऑक्सीजन ओएस जैसा लुक दे रहा है, तो जो कि दिखने में गाइज काफ़ी अच्छा है। एंड यहाँ पर गाइज आप देख पाए जो आपको टॉगल देखने को मिल जाते हैं वो आपको काफ़ी हद तक ऑक्सीजन ओएस जैसा देखने को मिल जाते हैं। एंड नोवा लॉन्चर में गाइज आप इसे डायरेक्ट अपने होम स्क्रीन से एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कि आप अपने होम स्क्रीन पे स्लाइड डाउन करेंगे तो आपका कंट्रोल सेंटर डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। तो यह लुक गाइज काफ़ी हद तक अब ऑक्सीजन ओएस जैसा हो चुका है एंड मुझे गाइस ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। एंड यहाँ से गाइस आप इसको अलाउ कर लीजिएगा, जो भी परमिशन आपसे मांगी जाएगी इस कंट्रोल सेंटर में। एंड आप में से गाइस काफ़ी लोगों को इस एक और दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि गाइस आप कोई भी टॉगल इनेबल कर सकते हैं, वैसे गाइस आपका जो टॉगल आप यहाँ से डायरेक्ट देखने को नहीं मिलता, वह आपको नीचे जो एडिट का आइकन देखने को मिलता है वहाँ से आप इसे ऐड कर सकते हैं, बट गाइस कुछ टॉगल वर्क नहीं करते, तो उसके लिए गाइस आप इस पर टैप करेंगे तो आप अपना सिस्टम कंट्रोल सेंटर ओपन कर सकते हैं, बट वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आपको सिंपली ओपन हेल्पर पे चले आना है एंड फिर आपको यहाँ से जो एक एरो देखने को मिलता है उस पर टाइप करना है एंड सिस्टम कंट्रोल सेंटर में आपके जो टॉगल है उसका जो नाम है वह आपको यहाँ पर टाइप करना है। जैसे कि गाइस मैं डार्क मोड वाले टॉगल से गेम मोड को इनेबल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर गाइस गेम मोड सिंपली लिख दूंगा एंड फिर गाइस आपको गेम मोड लिखने के बाद नीचे आपको पोजीशन इन सिस्टम सेट करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर गाइस आपको जो कंट्रोल सेंटर में आपका टॉगल का जो नंबर है वह आपको यहाँ पर टाइप करना रहेगा। तो मेरे यहाँ पर गाइस जो गेम मोड है उसका कंट्रोल सेंटर में नंबर है गाइस 18, तो 18 में यहाँ पर टाइप करके सिंपली बैक चलाऊंगा। तो बैक चले आने के बाद गाइस मैं अपना कंट्रोल सेंटर ओपन करूंगा, तो वहाँ पर गाइस योर टॉगल कम्प्लीटली वर्क करेगा। और आपके साथ गाइस कोई और टॉगल भी इस तरह से होता है तो आप सिंपली उस तरह इस ओपन हेल्पर सेटिंग में जाके इस टॉगल को ऐड कर लेना है। तो सिंपली गाइस मैंने यहाँ पर गाइस डार्क थीम इनेबल किया कंट्रोल सेंटर में, तो देख पा रहे गाइस हमारा गेम मोड डायरेक्टली यहाँ से ऑन हो चुका है। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ओके गाइस फाइनली हमारे होम स्क्रीन सेटअप हो चुकी है, जो वॉल्यूम बार है वह आपको ऑक्सीजन ओएस जैसा लुक दे रहा है, ऐप डोर आपको ऑक्सीजन ओएस जैसा देखने को मिल जाता है, होम स्क्रीन तो वैसा भी आपको कंप्लीट ऑक्सीजन ओएस जैसे देखने को मिल जाती है। एंड आप यहां पर कंट्रोल सेंटर भी देख सकते हैं, हमारे होम स्क्रीन से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं हम इस कंट्रोल सेंटर को भी। एंड लेफ्ट स्वाइप पे आपका जो गूगल फीड है वह भी देखने को मिल जाता है। एंड यहां पर गाइस आपको 3D टच या फिर हाइड ऐप वगैरह के एडिशनल फीचर देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको पुराने फ़ोन में यह फीचर देखने को नहीं मिलते थे। एंड आपको गाइस एक और दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है अगर आप किसी और एंड्रॉयड स्मार्टफोन के यूज़र हैं वीवो के या फिर आईको के अलावा, या फिर आप ओप्पो या फिर शाओमी वगैरह की यूज़र हैं, तो सिंपली गाइस आपको जो मैंने एक जिप में आइकन पैक आइकन दिए थे वो आपको सभी एक्सट्रैक्ट कर लेने हैं। एंड अगर आपके स्मार्टफोन में कोई भी आइकन चेंज नहीं होता है, जैसा कि गाइस गैलरी आइकन या फिर डायलर वगैरह का आइकन आपको ऑक्सीजन ओएस जैसा लुक नहीं देता, तो आपको सिंपली गाइस उस ऐप को होल्ड करना है ऐप ड्रॉअर में जाके, फिर आपको यहाँ पर एडिट पे टैप करना है। एडिट पे टैप करने के बाद गाइस आपको सिंपली आइकन पे टैप करने के बाद गैलरी ऐप सिलेक्ट कर लेना है। फिर गाइस मैं यहाँ से जेड आर्चीवर सिलेक्ट करके जो आइकन मैंने अभी एक्सट्रैक्ट किया था वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो आप कोई भी फाइल मैनेजर से गाइस यह कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट गैलरी ऐप से भी कर सकते हैं। तो मैं इस ऐप को गाइस इस स्क्वायर में कम्प्लीट फिट कर लेता हूँ, इस ऐप के आइकन को लॉक स्क्रीन का है। अब गाइस आपको यहाँ पर डन के बटन पे टैप कर लेना है एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारा लॉक का आइकन था वो भी चेंज हो चुका है। तो अगर आपके स्मार्टफोन में डायलर या फिर मैसेज गैलरी वगैरह का कोई भी आइकन चेंज नहीं होता, तो मैंने गाइस एक जिप में सारे आइकन को कंप्रेस करके दिया हुआ है, तो आप उस जिप को एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, उसमें गाइस आपको सभी आइकन देखने को मिल जाएगा। आप इस तरह से जो आइकन आपको मिसिंग देखने को मिलते हैं होम स्क्रीन में उसे भी सेट कर सकते हैं। एंड अगर गाइस आप वीवो या फिर आईको के यूज़र हैं तो आप कोई भी ऑक्सीजन ओएस की थीम अप्लाई कर लीजिएगा अपने स्मार्टफोन में, जिससे कि आपकी सेटिंग हो गई या फिर आपकी लॉक स्क्रीन हो गई उसको भी आप चेंज कर सकते हैं, जिससे कि आपको कंप्लीट ऑक्सीजन ओएस जैसे फील मिल सके। एंड अगर आप ओप्पो या फिर रियलमी या फिर शाओमी वगैरह के यूज़र हैं तो उसकी भी गाइस आपको थीम यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगी, चाहे तो आप उसे भी अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि आपको एक्स्ट्रा लुक मिल जाए अपने स्मार्टफोन में। तो आज की वीडियो में गाइस बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यह सेटअप आपको कैसा लगा। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर इंस्टाग्राम को अभी तक फॉलो नहीं किया तो लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं। सो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।